मूवी का कोई भी प्लॉट नहीं है, कोई भी स्टोरी नहीं है, जो फैक्ट्स है सारे फैक्ट्स मिटा दिए गए। बहुत ही घटिया है, खिलवाड़ किया गया है। जो सोने की लंका थी ना उसको पूरा काला लंका दिखाया। 1% मूवी अच्छी नहीं लगी। वेरी इंस्पिरेशनल, बहुत अच्छा मेहनत की गई है और बहुत अच्छी पिक्चर बनाई है। जो स्वरूप हमारे पास है इतने वर्षों से, उसमें क्या खराबी थी? इसके साथ एक प्रयोग करने की क्या आवश्यकता क्या थी? जिन्होंने फिल्म आदि पुरुष नहीं देखी वो सोशल मीडिया पर पूछ रहे हैं, क्या सच्ची में श्रीराम की कसम खा के बोल वत्स, क्या फिल्म आदि पुरुष में इस तरह के डायलॉग्स हैं? और जिन्होंने फिल्म आदि पुरुष देख ली है उनका रिएक्शन कुछ ऐसा है, राम राम राम, ये क्या देख लिया मैंने। फिल्म की सबसे ज्यादा ट्रोलिंग इसके डायलॉग्स की वजह से हो रही है। चलिए आइए डालते हैं नजर फिल्म के डायलॉग्स पर, जिसे सुनकर कहीं आपके भी तोते ना उड़ जाए और हमसे ही सवाल पूछ ले। मजाक चल रहा है क्या? पहला वियर्ड डायलॉग, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और जलेगी भी तेरी बाप की। तो फिल्म आदि पुरुष में ये डायलॉग तब आता है जब फिल्म में इंद्रजीत हनुमान की पूंछ में आग लगा देते हैं और कहते हैं जली ना, अब और जलेगी। इसके जवाब में हनुमान जी कहते हैं कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का और आग भी तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। लंका में आग लगाने से पहले ये डायलॉग हनुमान के मुंह से सुनने को मिलता है और यकीन नहीं होता है कि ऐसा भी कुछ लिखा जा सकता है। दूसरा वियर्ड डायलॉग, ए तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया, मरेगा बेटा तू, आज अपनी जान से हाथ धोएगा। फिल्म में ये डायलॉग तब आता है जिस टाइम हनुमान जी सीता माँ को अशोक वाटिका में मिलते हैं और राम जी की अंगूठी उन्हें सौंप देते हैं। तभी वहाँ लंकावासी आ जाते हैं और हनुमान जी को पकड़ लेते हैं और उनके इस तरह से लंका में घुसपैठ करने पर ये बोलते हैं। तीसरा वियर्ड डायलॉग जिसे सुनकर आपके कानों से खून आ जाएगा, जो हमारी बहनों को हाथ लगाएंगे उनकी लंका लगा देंगे। फिल्म के एक सीन में जब लंका को आग लगाकर हनुमान जी वापस लौटते हैं तो एक सवाल के जवाब में वो ये बात कहते हैं। चौथा वियर्ड डायलॉग, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। सीता माँ को छोड़ने की बात कहते हुए एक सीन में विभीषण रावण से ये बात कहते हैं और तब ये डायलॉग आता है। पांचवा वियर्ड डायलॉग, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेषनाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा पड़ा है। शेष यानी कि लक्ष्मण जी पर वार करने के बाद इंद्रजीत ये डायलॉग राम जी और उनकी सेना को कहते हैं और लंका से वापस लौट जाने की धमकी देते हैं। आखिरी वियर्ड डायलॉग जिसमें कूट कूट कर हिंदी मसाला भरा हुआ है, रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। फिल्म में रावण को ललकारते हुए अंगद एक सीन में ये कहते हुए सुनाई देते हैं। तो ये थी डायरेक्टर ओम रावत की आध्यात्मिक ग्रंथ रामायण पर आधारित फिल्म आदि पुरुष, जिसके किस्से कहानियां आपने बचपन से सुने और टीवी पर देखे होंगे। आपकी क्या राय है फिल्म की कहानी, VFX, डायलॉग्स और जबरदस्ती डाले गए हिंदी मसाला पर, हमें कमेंट सेक्शन पर लिखकर जरूर बताइएगा। और हाँ, बॉलीवुड की ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए ENT Live।